अरे हिम्मत है तो हार्ड कोर में बना के दिखाओ ना। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो एक दिन की बात है भाई, मैं मेरे फ्रेंड्स से संभी में घूम ही रहा था, लेकिन वेट अ सेकंड, भाई कैमरा किसने ऑन किया तेरी ऐसी की तैसी। ओके तो गाइस रुकावट में खेद है, पता नहीं भाई कौन था साला कैमरा ऑन करके चला गया। तो गाइस एक दिन की बात है, मैं मेरी फ्रेंड्स से भी मैं घूम रहा था एंड सोच रहा था कि क्यों ना कुछ खतरनाक किया जाए। तो उसके बाद मेरे दिमाग की घंटी बजती है एंड मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक खतरनाक सा बड़ा मेगा वर्ल्ड बिगेस्ट एकदम बड़ा बहुत बड़ा गोल्ड का फार्म बनाया जाए। एंड तभी मेरे को याद आता है भाई मेरे को गोल्ड फार्म बनाया नहीं था। सो एट द एंड मैं सोचता हूँ कि क्यों ना किसी माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर से एडवाइस ली जाए। तो मैं कॉल लगाता हूँ अपने जाने माने प्रो प्लेयर बल्कि स्टार को। सो कॉल लगाने के लिए मैं सीधा चला जाता हूँ डिस्कॉर्ड पे एंड अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके तो भाई मैंने कॉल लगा दिया है, देखते हैं कि वो उठाएंगे नहीं। ओ लेट्स गो भाई, उन्होंने उठा लिया है। हेलो हेलो बल्कि भाई आवाज आ रही है? हेलो 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 पांडा, और बताओ भाई सब बढ़िया कैसा चल रहा है? मैं बढ़िया भाई, आप सुनाओ कैसे हो? अरे बस एक छोटा सा काम था भाई, बताओ हेल्प कर दोगे? अरे बोलो एनी टाइम। उसमें कैसा था ना कि मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है? तो उसमें क्या था ना, मेरे को एक खतरनाक सा गोल्ड फार्म बनाना है सर्वाइवल में। तो भाई कोई खतरनाक सा कोई आइडिया वगैरह? किस में सर्वाइवल में? हाँ भाई मतलब सर्वाइवल में वीडियो बनाने तो, लेकिन हंस क्यों रहे हो? सर्वाइवल में क्या मुश्किल है भाई, सर्वाइवल में मतलब भाई हम तो सर्वाइवल में ही खेलते, तो उसकी वजह से सर्वाइवल में बना रहा था मतलब। अरे हिम्मत है तो हार्डकोर में बना के दिखाओ ना भाई, मतलब ऐसी हिम्मत विम्मत वाली बात नहीं है, ठीक है? बस सर्वाइवल वर्ल्ड था उसके लिए पूछा कि सर्वाइवल में बनाना है बस। अरे सर्वाइवल में हर कोई बना लेता, तुम हार्डकोर में बनाओ भाई तब हम माने तुम्हें। और जहाँ तक बात रही डिजाइन की, हम भेज देंगे भाई तुम्हें। नहीं 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 भाई, अब मेरे को डिजाइन की भी जरूरत नहीं है भाई, अब तो मेरे को दिखाना ही पड़ेगा कि हम भी किसी से कम नहीं। अब तो मैं बना रहा हूँ भाई हार्डकोर की सीरीज, देखी जाएगी आगे क्या क्या होता है। ठीक है ब्रो, ठीक है भाई, अब जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है ठीक है ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे। तो ये सब होने के बाद मैं आ जाता हूँ मेरे माइनक्राफ्ट में एंड बना लेता हूँ एक हार्डकोर वर्ल्ड एंड उसके बाद एक प्यारा सा नेम देके मैं कर देता हूँ मेरे खतरनाक हार्डकोर सीरीज की शुरुआत। तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मेरे को एक गंदा सा स्पॉन मिलता है, लेकिन भाई मैं रुकता नहीं और जल्दी से चला जाता हूँ पेड़ के आगे एंड जल्दी से बना लेता हूँ मेरे वुडन के टूल्स, क्योंकि भाई आगे की जर्नी होने वाली थी बहुत खतरनाक। एक वुडन की एक्स बनाने के बाद मैं जल्दी से चला जाता हूँ बहुत सारा खाना कलेक्ट करने, क्योंकि भाई इधर खाना तो बहुत मेन होने वाला था, क्योंकि खाने के बिना भाई हमारी हार्डकोर की सीरीज बिल्कुल भी चलने नहीं वाली थी। तो मैं बहुत सारी बकरियों को मारता हूँ एंड करता हूँ बहुत सारा खाना कलेक्ट। तो खाना कलेक्ट हो जाने के बाद अब बारी थी थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की, तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ एक केव में जहाँ पे मैं बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ एंड कंप्लीट करता हूँ मेरी पहली अचीवमेंट स्टोन एज। उसके बाद कॉबलस्टोन लेके मैं बना लेता हूँ अपने सारे के सारे टूल कॉबलस्टोन के एंड चल पड़ता हूँ एक विलेज की तलाश पे। लेकिन काफी टाइम हो चुका था और रात भी होने लगी थी, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज की रात रास्ते में ही सो जाए। तो जल्दी से एक बेड बना के मैं वहां पे ही सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग हो जाने के बाद मैं जल्दी से निकल जाता हूँ फिर से विलेज की तलाश में, लेकिन भाई तब भी ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था, मेरे को विलेज नहीं मिला था। तो मैं फिर से निकल पड़ता हूँ विलेज को ढूंढने के लिए, अब देखते हैं कि आगे मेरे को विलेज मिलता है कि भी नहीं। मैं खाना कलेक्ट करते करते खाते खाते चलता ही जा रहा था एंड तब भी मेरे को सामने दिख जाता एक विलेज। थोड़ी बहुत तो खुशी हुई थी, लेकिन ये विलेज की जगह उतनी भी अच्छी नहीं थी जैसी मेरे को चाहिए थी। लेकिन कोई ना, यहाँ पर हमको बहुत सारा खाना भी मिल सकता था एंड आयरन भी मिल सकता था। तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ उस विलेज की तरफ। विलेज में आने के बाद सबसे पहले मैंने मेरा फेवरेट काम किया जो था आयरन गोलम की चटनी बनाना एंड एट द एंड आयरन गोलम ने मेरे को गिफ्ट में दिया थोड़ा बहुत आयरन। तो ऐसे आयरन गोलम के लिए तो भाई एक सैल्यूट तो बनता है। उसके बाद उसके दिए गए आयरन से मैं बना लेता हूँ एक आयरन की वाटर बकेट, क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि हार्डकोर में भाई एमएलजी वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि वरना अगर हम लोग मरे तो फिर तो तुमको पता ही होता है कि भाई हमारा तो दी एंड। तो मैं जल्दी से वाटर बकेट में पानी भर के घूमने लगता हूँ विलेज को और ढूंढता हूँ थोड़ा बहुत खाना। आई नो वीडियो थोड़ी तेज जा रही है, लेकिन पहले ही बता दूं कि ये वीडियो है मेरी आयरन माइनिंग की, जहाँ पे मैं भाई बहुत सारा आयरन माइन करता हूँ, लेकिन तुम लोगों का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो जल्दी जल्दी से देख लो कि भाई मैंने कैसे आयरन वायरन कलेक्ट किया एंड उसको पका के अपना आयरन का पूरा आर्मर कंप्लीट किया। अपना आयरन का ओपी आर्मर बन चुका था। उसके बाद हम लोग ऊपर आ जाते हैं एंड मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ बहुत सारा फूड, क्योंकि आगे हम लोगों को जाना था भाई नेदर। और भाई तुम लोगों को पता ही होगा कि नेदर में बहुत सेफ रहना पड़ता है एंड खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं जल्दी से बहुत सारा खाना कलेक्ट करता हूँ एंड तुम लोगों को मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। Oh
तो आधी दुनिया के प्राणी पक्षियों को मारने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एंड तभी मेरे को सामने दिख जाता है एक खतरनाक सा विलेजर टावर जो भाई मेरे विलेज से भाई काफी नजदीक था। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना रेड कर ली जाए, मेरे को ऊपर से थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी मिल सकता था। एंड उसके बाद मेरी मुलाकात होती है वहां की एली से एंड मैं उनको वादा करता हूँ कि भाई मैं तुमको जरूर बचाने आऊंगा। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ ऊपर सीधा एंड लूट वूट करने के बाद यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधा एक लावा पूल की तलाश में। देखते ही देखते तीसरा दिन हो जाता है लेकिन मेरे को तब भी लावा पूल नहीं दिखता। मैंने बहुत सारा खाना वगैरह भी कलेक्ट कर लिया था, अब बारिश ही तो बस एक लावा पूल की एंड उसके बाद हमको जाना था सीधा नेदर। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि भाई ये माइनक्राफ्ट वाले मेरे को क्यों सिखा रहे, ऊपर देखो भाई ओपन योर इन्वेंटरी प्रेस, भाई मेरे को आता है भाई सब, भाई ठीक है भाई माइनक्राफ्ट के नशे। उसके थोड़ी देर बाद मेरे को एक लावा पुल मिल जाता है एंड मैं जल्दी से लग जाता हूँ एक खतरनाक सा पोर्टल बनाने क्योंकि मेरे को जाना था भाई नेदर। एंड कमाल की बात तो ये थी कि मैंने पहली बार में ये वाला पोर्टल सही से बना लिया था, मतलब वैसे मैं प्रो तो हूँ लेकिन ये वाला पोर्टल मेरे से कभी नहीं बना था। तो अभी के लिए तो ये पोर्टल बन चुका था, मैंने सारा का सारा खाना पकाने भी रख दिया था, मैं बहुत सारा खाना कलेक्ट करके लाया था, इसको पकाना बहुत जरूरी था क्योंकि भाई नेदर में खाना भाई मस्त है, खाने की जरूरत बहुत पड़ने वाली है, तो मैंने खाना पकाने के लिए रख दिया था। तो करीब करीब आधे घंटे के बाद मैंने बहुत सारा खाना पका लिया था एंड अभी हम लोग रेडी थे भाई नेदर में जाने के लिए। तो मैं चला जाता हूँ नेदर पोर्टल के अंदर लेकिन उससे पहले रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मैंने कर दिया था। तो उसके बाद मैं जैसे ही नेदर में एंटर करता हूँ तब भाई मेरे को सामने दिख जाती है खतरनाक सी नेदर फोर्ट्रेस। भाई मैं इतना खुश होता हूँ ना ये चीज देख के, भाई मैं करीब करीब आधा पागल ही हो चुका था, मतलब वो बात अलग है, ठीक है इसको कट कर देना। उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर लेकिन मेरे को नहीं पता था कि भाई वहां पर इतना गंदा सीन होने वाला है। फोर्ट्रेस में जहां पर भी देखो वहां पर विदर स्केलेटन एंड ब्लेज घूम रहे थे, तो मेरे लिए भाई सबसे बड़ा टास्क यही था कि मेरे को करीब करीब 7 से 8 ब्लेज रॉड कलेक्ट करनी है लेकिन ये आयरन के आर्मर के साथ बहुत टफ होने वाला था एंड ऊपर से ये विदर स्केलेटन ये भी मेरा मत्था गर्म कर रहे थे। लेकिन मैं हार नहीं मानता एंड कलेक्ट करने लग जाता हूँ सारी की सारी ब्लेज रॉड। ओके तो चलो सारी के सारे ब्लेज रॉड तो कलेक्ट हो चुकी थी लेकिन सैड लाइफ भाई हमको यूट्यूबर्स की तरह एक भी विदर्स कल नहीं मिलता। तो कोई ना चलो अभी जल्दी से निकलते हैं सीधा ओवरवर्ल्ड में। लेकिन गाइस एक दिक्कत हो गई थी, मैं ओवरवर्ल्ड में जाके खाना वगैरह कलेक्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत आयरन भी कलेक्ट करता हूँ लेकिन उसके बाद मेरे को याद आता है कि भाई हम लोग एंडर पर्ल के सिवा तो जा नहीं सकते एंड में। तो मैं जल्दी से वापस आ जाता हूँ नेदर में एंड कलेक्ट करने लग जाता हूँ बहुत सारी एंडर पर्ल। ठीक है गाइस चलो अभी क्या यही देखना है कि एंडरमैन को मरता हुआ, चलो ओवरवर्ल्ड में सीधा। तो उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में लेकिन भाई यहाँ का वेदर तो इतना गंदा हो रखा था जैसे कि हीरो पैन आने वाला हो। तो मैं जल्दी से निकलने के लिए बना लेता हूँ 16 आई ऑफ एंडर एंड उसके बाद निकल जाता हूँ सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। एंड अब बारी थी उस एंडर कौवे को मजा चखाने की, सो लेट्स गो जल्दी से चलते सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। पता नहीं भाई लेकिन क्यों ऊपर वाला मेरे पे मेहरबान है, भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली पूरी की पूरी वीडियो ही पता नहीं कहाँ चली गई, शिट हो गया। लेकिन कोई ना गाइस अभी के लिए ध्यान देते अपनी एंडर ड्रैगन पे, मैंने वहां पर पूरा का पूरा बेड वेड सब सेट करके रखा है, सो लेट्स गो जल्दी से वेट करते हैं एंडर ड्रैगन के नीचे आने की। ओके तो भाई वो नीचे आ चुकी थी, लेट्स गो वहां पर चलते सीधा और बैड फूड के भाई इसको मैं खत्म करता हूँ एक ही बारी में, देखना भाई बैड फूड तो एक ही बारी में मार दूंगा मैं इसीलिए। यार क्या ही चीज है ये एंडर ड्रैगन इवेंट, सब बच्चे है भाई अपने सामने। ठीक है आ गई तेरी ऐसी की तैसी बुक नहीं मरी सॉरी, मारो भाई एक से मारो भाई जितना हो सके उतना मारो इसको। वे भाई पता नहीं तो ये भाई 5 सेकंड के लिए नीचे आती है बस, पता नहीं इसका बहुत सीन है। ठीक है कोई ना चलो अभी 1-2 साल में तो नीचे आ ही जाएगी पक्का आएगी तो। ओके तो आई नो भाई मैंने वीडियो का बहुत सारा पार्ट काट दिया है क्योंकि भाई मैं सच्ची बताऊँ ना ये एंडर ड्रैगन नीचे ही नहीं आ रही थी, करीब करीब 2 घंटे की ये वीडियो होगी भाई इतना ज्यादा रिकॉर्डिंग हुआ था। तो कोई ना अभी के लिए सीधा दिखाई देता हूँ कि मैंने कैसे एंडर ड्रैगन को मारा, अभी भी मैं वेट ही कर रहा था एक्चुअली कि वो कब नीचे आएगी एंड फाइनली वो नीचे आती है एंड मैं चला जाता हूँ भाई सीधा उसको मारने के लिए। लटको भाई मेरे को बस यही चीज का इंतजार था कि भाई ये कब मरेगी, और भाई ये मेरे पीछे पड़ गया। भाई सच्ची बताओ ना मैं इतनी बार बनट आया हूँ ना भाई, मैंने बहुत सारी चीजें काट दी है लेकिन क्या बताऊँ मैं भाई बहुत बच से मारा है एंड फाइनली भाई मेरे को सामने दिख रहा है एंडर ड्रैगन का अंडा और तेरी ऐसे की तैसे तू निकल भाई यहाँ से। भाई एंडरमैन ने मेरे को इतना परेशान किया ना जितना मेरे को एंडर ड्रैगन ने भी परेशान नहीं किया। कोई ना लटको जल्दी से एक्स क्यू उठा लेता हूँ मैं
एंड बाय द वे भाई आगे भी बहुत बहुत मजे आने वाले ये हार्डकोर वाली सीरीज में, इसको मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाला, एकदम एक्टिव सीरीज रहेगी ये, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट भी तुम लोग दिखा देना। अराउंड अराउंड भाई 5000 लाइक तो तुम लोग करवा ही सकते हो। लेट को जल्दी से अंडा लेके मैं निकलता हूँ सीधा ओवरवर्ल्ड में। तो आज की इस वाली वीडियो में तो बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं आगे की माइनक्राफ्ट हार्डकोर में क्या क्या करूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय बाय।